जाबाद, उस गुरु की तरफ से तुम्हें पैसों का लालच या कत्ल कर देने की धमकी तो नहीं मिली? नहीं कप्तान साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारी गवाही पर उस खौफनाक गुरु की जिंदगी और मौत का धर्मदार है। कुछ भी हो कप्तान साहब, मैं तो गवाही सिर्फ इसलिए दूंगा कि कत्ल मेरी आंखों के सामने हुआ था। मेरा ख्याल है आज रात तुम्हारी हिफाजत के लिए मलेशिया का दस्ता बाहर मुकर्रर कर दिया जाए। शुक्रिया कप्तान साहब, लेकिन मेरी हिफाजत के लिए बाहर मेरे आदमी मौजूद हैं। फिर भी आपकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। मैं मलेशिया फोर्स लेकर अभी आता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। भैया थोड़ी देर रुकिए ना, कहवा पीकर जाइए। भाभी आप कहवा क्या करें, मैं अभी क्या और अभी आया। या अल्लाह, अंदर बेटे चलो, तुम अब जाकर अपनी चारपाई पे सो जाओ। अच्छा अम्मी। मलिक जाबाज, तारुफ कराने की जरूरत नहीं, तुम हमें पहचान गए हो। जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। तुम वही हो जिसने अपने इन तीन साथियों की मदद से बस्ती के चौक में मलिक एहसान का कत्ल किया था। हाँ, और अब तुम्हें भी खत्म कर देंगे। मेरा भी कोई गवाह होगा? ना ना ना, तुम्हारी इबरतनाक मौत का कोई गवाह नहीं होगा। जिसका कोई गवाह नहीं होता उसका खुदा गवाह होता है। बहादुर भी हो और जबान दराज भी, पर जबान बंद रखने का वादा करो तो तुम्हारी जिंदगी बख्शी जा सकती है, वरना तुम्हारी मौत दूसरों के लिए इबरत बन जाएगी। सच्चाई की राह में कुर्बान होने वाले इबरत नहीं जुर्रत की मिसाल होते हैं। तुम मुझे नहीं मार सकते। Ha ha ha!
काम लाल निशान के ग्रोह का है। लाल निशान? अनवर, तुम्हारे निशाने की तारीफ करो या उस इंतकाम के जोश की मजम्मत कर दो जो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अंकल, 20 वर्ष पहले जो आग मेरे घर में लगी थी अब वो मेरे तन बदन में लग चुकी है और मैं उस आग में चल रहा हूं। तुम दफ्तर से फारग होकर सीधे घर आ जा। यस सर। ओके। इस इलाके के उन तमाम स्मगलर्स और बदमाशों की लिस्ट तैयार की है। यस सर। जिस रोज से आपने इस चौकी का चारा संभाला है तमाम मशकूक लोग ये इलाका ही छोड़कर चले गए सिवाय एमल खान। एमल खान? यस सर। वो यहाँ के बदमाशों का सरदार समझा जाता है। स्मगलिंग और नाजायज कारोबार ऐसी होशियारी से करता है कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलता। सर, एमल खान आपसे मिलना चाहता है। एमल खान मुझसे मिलने आया है? इसका मतलब है वो चलाक भी है और निडर भी। फेंक दो उसे। सलाम साहब, खाकसार को एमल खान कहते हो। तुम क्या कहने आए हो? कुछ भी नहीं, हम तुमको मिलने आया है। हम जानता था तुम हमको जरूर बुलाएगा, इसलिए हम खुद चला आया। इस चौकी में हर आने वाला नया अफसर
हमको बड़े गुस्से से बुलाता है और फिर बड़े प्यार से वापस भेज देता है। जब तक बैठने को न कहा जाए, खड़े रहो। तुम्हारा जोश देखकर हमको खुशी हुआ साहब। अब मजा आएगा साहब बहादुर, बराबर की चोट है ना? ये कैसी चोट है? यहां बर्दाश्त कर ली है, इसलिए ये चौकी भी तुम्हारी है और तुम वर्दी में हो। जहां बर्दाश्त न कर सको वो जगह बताओ। चौकी के सिवा जहां भी चाहो। अहमल खान इस बेइज्जती का जवाब जरूर देगा। अभी से बात करो साहब, इसे पहले कार में बंद कर दो। नहीं, जाने दो इसे। सलाम साहब बहादुर। गया। ओ, कोचा साहब बादल ने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया? गिरफ्तार? गिरफ्तार? अहमद खान इस इलाके का शेर है और शेर को गिरफ्तार करना बच्चों का खेल नहीं। लेकिन साहब बादल तो बच्चा है अपने सामने। अबे खेल क्यों बंद कर दिया? खेलो, खाओ पियो ऐश करो। ये अहमद खान का अड्डा है और सब जानते हैं अहमद खान के अड्डे पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था अहमद खान। क्या हुआ? कुछ माल बॉर्डर पार करना था और बहादुर। अहमद खान, ना ही मैं इस वक्त वर्दी में हूं और ना ही ये पुलिस चौकी है। तुम्हारी जुर्रत की दाद देता हूं साहब बहादुर, शेर की कछार में अकेले ही आ गए हो। शिकार शेर का हो या गीदड़ का, अकेले ही खेला जाता है। शिकार को छोड़ो साहब बहादुर, अगर आ ही गए हो तो दांव लगाओ। अहमद खान, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। मेरा जुर्म? जुआ। सबूत? ये ताश। गवाही? मेरी। यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे तो सबूत और गवाही दे सकोगे ना बहादुर। Ah!
चाय का गर्मा गर्म कप हो जाना चाहिए। जी बहुत अच्छा। तुम्हें बुला रहे हैं। वही खुदा पाकर रहमदार रहमदार चीता तलाता तोड़ता फायरिंग होता हमारा जान पे बनता कदम पर खुदा रही लबी भी का सारा शौक मरता ने तुम ठीक कहते मैं रही लोग बेटी नहीं अपना बेटा समझता डैडी गया। मैं भी होंगी कहाँ गया था मेरा बेटा उधर पहाड़ों में ना वो शेर आया खेल रहा था शेर आ गया साहब हमको बचाओ शेर से हमारा पुराना दुश्मन है ये भागो यहाँ से कोई शेर नहीं है शेर आ गया किसके साथ खेल रहा था मेरा बेटा वो मैं मेरे साथ और कौन सुनता है इनकी चीखों पुकार मैं ही तो हूँ जो बार बार उल्लू बन जाता हूँ इसीलिए तो कहती हूँ बार बार उल्लू बनने के बजाय एक ही बार उल्लू बन जाओ ये रोज रोज की बकबक तो खत्म हो अच्छा आइंदा से चीखती रहना पुकारती रहना मैं नहीं आऊंगा अरे 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 सुनो तो बड़े साहब अब रहीला और अनवर की शादी कर ही डालिए जानता तो मैं भी हूँ लेकिन मैं अनवर की आंखों में घर बसाने की तमन्ना नहीं इंतकाम का जोश देख रहा हूं मत देना बीवी साहब अभी हमने शादी भी नहीं बनाया हमारा वाले वाला बीवी बेवो आ जाएगा हम पे रेप करो बीवी साहब हम पे रेप करो बेपुस्तिल बस बंद कर नहीं तो निशाना खता हो जाएगा और सेब के बजाय तेरी खोपड़ी में सुराख हो जाएगा कायम हो जा मैं कायम नहीं हो सकता बीबी साहब मौसम पे खड़ा मेरा दिल बहुत कमजोर होते मैं बहुत रोता तो बड़ा दर्द कमजोर होते खबरदार जान मारी के लिए तैयार हो जाओ एक दो ये क्या हो रहा है जी अनवर साहब बीबी साहब अब कुछ नहीं करता है पको मत रहमदास क्या तुम्हें हमारे निशाने पर इत्मार नहीं है इत्मार तो फिर डरता क्यों है हटो अनवर मैं निशाना लगा रहा हूँ ठहरो 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 निशाने पर इत्मार नहीं है क्या तुम भी फायर करोगे ये ला यकना जुट तो जुट सेब जरूर उड़ेगा लेकिन यहाँ नहीं क्या है ये क्या हेलो मत वरना सेब के बजाय तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हो जाएगा देर मेरा पानी था हाय हाय तुम चलाओगे मुझ पे गोली तुम पर नहीं सेब पर जनाब हम तो आपके निशाने को बचपन ही से मानते हैं आग की पिस्तौल से मोहब्बत की ऐसी गोली चलाई है कि ढेर कर दिया है क्या बकवास है अरे अरे, अरे कैसे शिकारी हो शिकार को पीछे ही छोड़ गए ये गोली की आवाज कैसी थी जी मोहित साहब हमारा मकसद में ये बात नहीं आता ये फायरिंग का स्पॉट लव पॉट क्षेत्र बन गया जब तक मेरी आंखों से बच बच के रहोगे जब तक मेरी आंखों से बच बच के रहोगे वो कल कला को हो गया प्यार तो फिर क्या करोगे वो कल कला को हो गया प्यार तो फिर क्या करोगे
आजम, तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है, तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है। वालेकुम सलाम। आज तुम्हारी सजा खत्म हो गई आजम। जेलर साहब, गुर्बत एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा कभी खत्म नहीं होती, चाहे जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर, सजा जरूर मिलती है। मुझे उम्मीद है कि अब तुम एक अच्छे और काराम शहरी साबित हो। अच्छा मशवरा है जेलर साहब, लेकिन एक मशवरा अपने माशरे को भी दे दीजिए, किसी पर जुल्म न करें। अगर ये जुल्म यूं ही होता रहा तो इंतकाम के कदम भी उठते रहेंगे जेलर साहब। मैं तुम्हारी मजदूरी के पसीना खुश्क होने के बाद पैसे देते हैं जेलर साहब। बहरहाल मेरी कुछ और चीजें भी। कौन सी? एक पिस्तौल जो 14 साल पहले मुझसे लिया गया था और 22 गोलियां। हाँ 22 ही हैं। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है आजम। इंतकाम उन्हीं में जिंदा रहता है जिनकी याददाश्त अच्छी हो और निशाना भी।
मलिक जहांबाज का पुराना दोस्त, तुम कौन? मलिक जहांबाज का बेटा। ओह, थोड़ी देर बाद ये सफेद झाग तुम्हारे गंदे खून से सुर्ख हो जाएगा। गोली चलाने आ तो सिर्फ गोली चला, बातें मत करो। गोली तुमने चलाई? हाँ, इन्होंने चलाई होती तो इस वक्त इनकी जगह मेरी लाश पड़ी। तुमने इन पर गोली क्यों चलाई? इसलिए कि मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। ये तुम्हें कत्ल करना चाहते थे? हाथ में पिस्तौल लिए खिड़की के रास्ते मेरे कमरे में आना, इससे तो यही जाहिर होता है कि ये मैं कत्ल करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? जिंदा होते तो पूछ कर बता दे। तुम्हें ये इलाका अभी और इसी वक्त छोड़ना होगा। क्यों? इस इलाके में अपनी जान की हिफाजत करना जुर्म है? जुर्म नहीं है, लेकिन ये सरहदी इलाका है और यहाँ तुम जैसे लोगों की मौजूदगी में अमन आमा का मसला पैदा हो सकता है। मुझे सुबह पेशावर जाना था, लेकिन तुम कहते हो तो अभी चला जाओ। मकतूल की आंख पर लाल निशान है। लाल निशान? तो इस अजनबी की दुश्मनी लाल निशान के क्रोध से रोक गए थे। संतरी दिल भी नहीं दिया। लाल निशान, लाल निशान, लाल निशान, ये लाल निशान का ग्रोह कानून के लिए चैलेंज बन गया है। कैप्टन दाऊद लाल निशान के ग्रोह का सुराग बजाने गया। लाल निशान के ग्रोह ने कैप्टन दाऊद को शहीद नहीं किया, कानून को ललकारा है, रेंजर्स के फौज को चैलेंज किया है। हम इस चैलेंज का जबरदस्त जवाब देंगे। मेजर इलियास, इस काम के लिए कौन सा आदमी मौजूद है? इस काम के लिए एक ही आदमी है सर, सिर्फ एक आदमी। कैप्टन अनवर, क्या तुम यकीन से बता सकते हो कि तुम उन वैशी दरंदों को गिरफ्तार करोगे? यस सर। जिंदा या मुर्दा? वेरी गुड। यकीनन तुम अपने वतन की सरजमीन को उनके नापाक जराइम से पाक कर दोगे। क्या तुम बता सकते हो कि अपनी मुहिम का आगाज कैसे करोगे? सबसे पहली बात यह है सर कि मुझे गैर इलाके में फेस बदल कर जाना होगा। जब तक मैं उनके सर पर ही पहुंच जाता उनको ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूं। लेकिन तुम वहां तक पहुंचोगे कैसे? उनके ठिकाने का पता तुम्हें कौन बताएगा? वही शख्स जिसे होटल टीलेक्स के कमरे में लाल निशान ग्रोह के आदमी कत्ल करने आए थे। लेकिन वो आदमी अब कहां मिलेगा? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, वो तो इंसान है, मिल जाएगा।
के बोझ से हाथ थक गए होंगे बेटे, लाओ मुझे दे दो। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी और मेरी मंजिल एक कब से हो? उस वक्त से जब तुमने लाल निशान के घरों के दो आदमियों को होटल डिलेक्स में कत्ल किया था। तुम लाल निशान के घरों तक पहुंचना चाहते हो, क्यों? इंतकाम के लिए। तुम उनसे इंतकाम नहीं ले सकोगे, वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर। मैंने उन्हें खत्म कर दिया तो तब भी मुझे दुख होगा। क्यों? इसलिए कि उनसे अपना हक लेना है, बहुत पुराना कर्ज वसूल करना है। अगर तुम इससे पहले पहुंचकर उन पर काबू पा भी लो तब भी मुझे दुख होगा, इसलिए कि वो मकरूज मर जाएंगे। और इसी वजह से मैं तुम्हारा घोड़ा अपने साथ लिए जा रहा हूं, तुम यही ठहरो। पिस्तौल अपनी हिफाजत के लिए रखो, घोड़ा 10 मील बाद तुम्हें मिल जाएगा। बेटे, पिस्तौल अपनी हिफाजत के लिए रखो, घोड़ा 10 मील बाद तुम्हें मिल जाएगा। नहीं पीऊंगा तो फिर क्या पीऊंगा? हेलो, आदमी को अंदर जाने दो। थैंक यू। चाय नहीं पीऊं तो फिर क्या पीऊं? क्या होगा? तुमने यहां पहली बार देखा है, अपनी शिनाख्त तो करा। मैं जाबिर का दोस्त। ओ, ओनली वन मिनट। हेलो, ये आदमी आ रहा है, इसे अंदर जाने दो, आप जा सकते हैं। छक्का
हाथ खोलो। हाथ खोलूंगा नहीं मिस्टर, दिखाऊंगा। क्या हिम्मत है तो दिखाओ। दाना तुम फेंक लो यार, नाराज क्यों होते हो? जी तो आओ। सबको जीतो। जगह से हरकत की तो खून के रख दूंगा।
आजम। अपने पालतू कुत्तों से कहो यहाँ से बाहर निकल जाए, और अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो भौंक कर इत्तला दे। तुम लोग बाहर जाओ और किसी को अंदर ना आने देना। तुम जेल से कब आए? होटल डीलक्स में तुम्हारे कुत्तों की मौत से एक दिन पहले। उन्हें मैंने नहीं, शायद नादर ने भेजा होगा। नादर, जाबिर, जग्गू, दादू, चार नाम एक काम। मुझसे क्या काम? अपना हिस्सा लेने आया। तुम्हारे हिस्से की सजा मैं काट चुका हूँ, मेरा हिस्सा तुम चारों उड़ा चुके हो। पहले तुमसे वसूल कर लो और दूसरों से इसी तरह वसूल करो। लेकिन कुछ मोहलत चाहिए। मौत मोहलत नहीं देती जाबिर। मर गया तो कुछ नहीं मिलेगा। जब ही तो जिंदा हो, वरना कब के मर गए होते। माल कब मिलेगा? कल शाम। अगर न मिला तो कल शाम के सूरज साथ तुम भी डूब जाओ। अगर रोज़ थप्पड़ लग गया तो मुझे माफ कर दो भाई। भाई? तुमने हमें भाई बोला? पक्का भाई बोला? अच्छा भाई बोला? ओ बोल, हमको एक भाई मिल गया, तुम हमारा भाई, हम तुम्हारा भाई, पक्का भाई। तो हमारा मदद करेगा? मदद? हाँ, अंदर हमारे घर बड़ा चीटिंग हुआ है, बड़ा बेईमानी हुआ है। वो गंजा है ना, वो डिस्कटिंग एयरपोर्ट का माफी का, उसने हमें बहन का हस्बैंड समझते हुए हमारा सारा माल जुए में जीत लिया। तेरा क्या बखाना है? जुआ भी होता है? फ्रंट से क्या बखाना है, इंटीरियर से जुआ खाना है। अगर इसका एक्सरे करेगा अंदर से कोठी खाना निकलेगा। ब्रदर, हमारा माल वापिस दिला देगा, हम तुमको बड़ा दुआई देगा, नहीं तो हम समझेगा ब्रदर का लव फिनिश हो गया। थैंक यू भाई, बात अब मेरे पीछे से आएगा, मेरा बड़ा रो भाई था। बंद करवा चुके क्या? सबको बंद हमारा ब्रदर। जवानी पर तरस खाओ। हाँ, हर जवान आदमी की जवानी पर क्यों तरस आता है? बको मत। अगर हमने जवान बंद किया तो हमारा भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यस यस।
ये अड्डे का सबसे खतरनाक आदमी है, अच्छे खासे आदमी को निचोड़ कर रख देता है। जाने दो, आप चले जाओ। शुक्रिया। कोई है जिस गरीब के पैसे वापस कर? पैसे वापस कर? पैसे वापस कर दूं? ये लो। क्या कहा था आपने? ठीक कहा था। जान छुड़ा दूं? पहले खुद कोशिश करके देख लो। जाइए। शुक्रिया। तो भाई बड़ा जबरदस्त सांड पाला है। यहाँ तो ऐसा ही होता है। जाओ। जाओ। शुक्रिया। ठहरो ठहरो भाई खान, ये तो था फ्री स्टाइल, अब चाइनीज बॉक्सिंग हो जाए। चाइनीज बॉक्सिंग जरूर होगी। तुम्हारा डेंटिंग हो गया, अब पेंटिंग फिर उसी से करवाओ। मैं देख रहा था, तुम दोनों ऑफिस में आओ, शेरों को भेज दो, और हाँ ये सब मरम्मत करवा दो। आज तुम्हें पहली बार यहाँ देखा, कौन हो तुम? अजनबी, लेकिन माय माउथ स्पोकन, मुंह बोला भाई। मुंह बोला भाई? कब से? बाहर बनाया, अंदर लड़ाया। इस शहर में कैसे आए हो? नौकरी की तलाश। नौकरी की तलाश? अरे नौकरी तुम्हें हम, लेकिन पहले जोसेफ के पैसे दे। तो जोसेफ के पैसे वापस कर। ओके बॉस, चलिए मैं जाओ। जाओ। इसे कत्ल करना है। इसे कत्ल करना है? क्यों? सवाल न करो, पैसे बताओ। 5,000 गिन लो। ठिकाना? स्टार होटल, कमरा नंबर 13। स्टार होटल, कमरा नंबर 13। सुनो,
ये तस्वीर भी ले। जिसे एक बार देख लो उसे भूलता नहीं। काम आज रात हो जाना चाहिए। हो जाए। सुनो कोई और मशवरा? फिर कब आओगे? यहीं रहूंगा। कब तक? जब तक मेरा काम नहीं खत्म हो जाता। हमारा काम तो पहली नजर में हो गया। शुक्रिया, अभी मेरा काम बाकी है। क्यों आया? मैं ना आता तुम्हारी मौत आती। आदमी होशियार हो तो मौत भी खबरदार रहती है। मैं तुम्हें खबरदार करने आया था। अगर तुम्हें कत्ल करना चाहता है, मैं जानता हूं, मैं जानना चाहता हूं। क्यों? मैं बताना नहीं। वो बदमाश जो तुम्हें डेलिक शूटिंग में कत्ल करने आए थे, क्या वो भी जाबिर के आदमी? मुझे नहीं मालूम। जाबिर कौन है, क्या है? तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो बेटे। मैं उस वक्त तक तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा जब तक के जाबिर से अपना तमाम पैसा वसूल नहीं कर लेता। लेकिन तुम जाबिर से क्यों नहीं पूछते? शायद वो तुम्हें खुद बता दे कि वो कौन है। शुक्रिया सर। आपके कमरे में बिल में डाल दो। वेरी गुड सर। चलो उठ, तुम्हारा डांस का वक्त हो गया। दूसरा लिबास बदल लो। मैं आज डांस नहीं करूंगी। डांस नहीं करोगे? चलो, कैसी डांस नहीं करोगे? चलो, मैं कहती चलो। साबुन तो दो।
बात नहीं कर रहा। कौन सा लिबास निकालूं? मुझे घूर घूर के क्या देख रही है? लिबास बता। वो वाला कौन सा? कोई नीला पीला। आगे पीछे इशारे करो, मेरी शामत आ जाएगी। क्या क्या कहा? आगे पीछे शामत आ जाएगी? मेरा मतलब है आगे पीछे ना करो, जो लिबास तुम्हें पसंद है जल्दी से निकाल दो, वरना शामत आ जाएगी। ठीक है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू बचकर नहीं जाएगा यहाँ से। देखो दसवीं बस, मर्दों पे हाथ उठाना शरीफ औरतों का सेवा नहीं। आपका निशाना कुछ ठीक नहीं है मिस यूनिवर्स। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस क्या करो वजन कम करने की। मैं तुझे शोर कर दूंगी। फसल कर गया? काम कर गई, यही समझ लो। तो फिर मुझे यहां से ले चलो। अब पहले जाबिर का बंदोबस्त कर लो। हाँ, ये दरिंदा हमारा पीछा जरूर करेगा। कौन है जाबिर? इसका माजी क्या है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, पहले तुम मुझसे वादा करो, तुम जहां भी जाओगे मुझे साथ लेकर चलोगे। वादा करो। अब इसलिए जिंदा हो कि तुम्हारी मौत पर किसी दूसरे का हक है और मैं दूसरों का हक मारना नहीं चाहता। जाबिर से अपने पैसे वसूल कर चुके हो, अब बताओ जाबिर कौन है? गैर जरूरी जोश, तुम्हारे इस हरकत से अगर मेरा खून भी जोश में आ जाता तो तुम मुझसे कुछ मालूम नहीं कर सकते थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि जाबिर का ताल्लुक लाल निशान के घरों से है या नहीं। जाबिर की आंख पर लाल निशान है या नहीं? है। जब जाबिर इस शहर में आया था तो उसके पास तीन चक्के क्यों थे? इसलिए कि जाबिर के सीने पर तीन यक्के खुदे।
झुकती है झुकाने वाला चाहिए, दुनिया कब झुकती है झुकाने वाला चाहिए, किस्मत कब बनती है बनाने वाला चाहिए, दुनिया कब झुकती है झुकाने वाला चाहिए, दुनिया कब झुकती है झुकाने वाला चाहिए। तुम मेरा काम करने में नाकाम लौटे, अब ये रकम मेरी है। नाकाम लौटकर तुम अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हो अनवर, ये तुम्हारी बदकिस्मती है। अभी किस्मत का खेल खेलो जाबिर। हाँ, अभी किस्मत का खेल खेलो, उसके बाद तुम्हारी मौत का खेल शुरू होगा। मौत के खेल में कोई भी हार सकता है, मैं भी और तुम भी। चल चल चलो, जितनी देर ये चाल चलेगी हरी सांस चले, बाजी खत्म हो जाएगी तो तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। मौत और जिंदगी खुदा ने तुम्हारे हाथ में कब से दे दिए जाबिर? यहां मौत और जिंदगी मेरे इशारों की मोहताज है अनवर। तो फिर शो करो। शो तीन यक्के, तीन जक्के मेरे पास भी हैं। काश में सिर्फ चार यक्के होते, तीन तो मेरे पास हैं,
तुम्हारे पास कहां से आ गए? ये है नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? याद करो वो रात जब तुमने मलिक शाहबाज को कत्ल किया था, उसकी बीवी को कत्ल किया था, उसकी बेटी के साथ ज्यादती की थी, लेकिन उसका बेटा बच गया था और उसका बेटा मैं हूं, जाबिर मैं हूं। तुम हो? जी तो चाहता है तुझे कुत्ते की मौत मार दूं, लेकिन फर्ज के हाथों मजबूर हो। तुझे मेरे साथ चलना होगा जाबिर। नहीं, तुम सिर्फ मेरी लाश ले जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। नेहते की लाश गिराना बुज़दिली है। बहादुर हो मुझे भी पिस्तौल, इसे तेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश समझकर कबूल करता हूं। है को पिस्तौल। पियानो के तीसरे स्ट्रोक पर फायर होगा। कर एक आदमी पर एक से ज्यादा गोलियां चलाना फजूल खर्ची। छोरा वो बोला तुम्हारा घोड़ा फ्रंटियर हॉर्स के ओल्ड, थोड़ा ओल्ड स्टेशन मास्टर से मिलेगा। फ्रंटियर हॉर्स? या वो किधर? वो फ्रंटियर हॉर्स के पास मरेगा नहीं ये। ओ गॉड, बरपुर दार वो आजम है ना? है? आजम, वो तुम्हारा घोड़ा मेरे पास छोड़ गया है और खुद ट्रेन के जरिए बनू शहर चला गया है। खुद बनू शहर चला गया है? दूसरी ट्रेन बनू कब जाएगी? दूसरी ट्रेन? अरे भाई, वो अगली जुमेरात को घोड़े पर यहाँ से बनू तक कितने दिन का सफर है? सफर 3 दिन का। 3 दिन लगेंगे घोड़े में? और को पैगाम दिया था आज ने? दिया तो था। क्या कहा था? पहले पपी लो। पपील? इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है बरखुदार? उसने मैंने कहा था पहले पपी देना फिर वो चीज देना। ओ फो लाओ, आप बताओ। आप बताओ ना। अब लो। ये लो अपनी अमानत। नादिर खान बनू शहर।
मैनेजर साहब, ये 4,30,530 रुपए अभी और इसी वक्त अपने बैंक में जमा करवाते हैं। ये कौम की अमानत है जो सिर्फ कौम की बहबूद पर खर्च होनी चाहिए। नादिर खान साहब, इलाके के लोगों ने आपको जिरगे का सरबराह चुनकर बहुत दानिशमंदी का सबूत दिया है। आप जैसे दयानतदार और वतन परस्त इंसान पर हम सबको फख्र करना चाहिए। अच्छा, खुदा खुदा। बाहर एक आदमी आपको मिलना चाहता है। तो उसे अंदर भेज दिया होता। अब वो ठीक आदमी नहीं है। हमने उसको बोला पिस्तौल बाहर छोड़ कर जाओ, लेकिन उसने हमको बोला पिस्तौल की जरूरत अंदर है। उसे अंदर भेज दो। अच्छा साहब। तुम? मैं तो घबरा ही गया था। मुझसे मिलने के लिए सही रास्ता अख्तियार किया होता। सही रास्ता सही आदमी से मिलने के लिए और गलत रास्ता गलत आदमी से निपटने के लिए, यही आजम का उसूल है। तुम्हारी गिरफ्तारी में मेरा हाथ नहीं था। तो मेरा हिस्सा क्यों मार लिया? मारा नहीं आजम, अमानत समझ कर रख लिया है। मौत का खौफ इंसान की शख्सियत बदल देता है। आजम, मेरी शख्सियत वक्त ने बदल दी है। हाँ, वक्त ने जुर्म को इंसाफ, चोर को चौकीदार और डाकू को महाफिज बना दिया है। लेकिन अब मैं मुजरिम, चोर और डाकू नहीं रहा, बदल चुका। सांप अपनी केंचली बदलने के बाद भी सांप ही रहता है नादिर। दोस्त को दुश्मन न समझो आजम। सांप इंसान का दोस्त कभी नहीं होता। सांप? चलो सांप ही सही। मैं 14 साल से तुम्हारी अमानत पर सांप बनकर बैठा उसकी इबादत कर रहा हूं। बैठे रहो आजम, शरीफ आदमी बेजरर होता है। मेरा हिस्सा। तुम्हें हिस्सा मिल गया तो तुम चले जाओगे और मैं तुम्हारी मेजबानी से महरूम रह जाऊंगा। आराम से बैठ जाओ आजम, और मुझे अपने बुजुर्गों की मेहमान नवाजी की रिवायत पूरी करने। बातों में वक्त जाया मत करो, मेरा हिस्सा। ऐसी भी क्या जल्दी है, बैठ जाओ। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। मौत हर जिंदगी का पीछा करती है आजम, मेरा भी और तुम्हारा भी। ये कैसे मजाक है? जैसा ही जैसा कभी तुमने मुझसे किया था। मैंने तुमसे कभी नहीं किया था। तो फिर मुझे छोड़ के चले क्यों आए? तुम्हें साथ लेके फिरने का वादा कब किया था मैंने? झूठे बेईमान, साथ निभाने का वादा नहीं किया था तुमने? साथ निभाने का भूल गए?
तुमने खुद ही तो कहा था जाबिर का बंदोबस्त करने के बाद तुम्हारा बंदोबस्त करूंगा। क्या? आ मेरे कपड़े दे दे, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। यहाँ आकर ले लो। तुम इस तरह आवाज नहीं आओगी। देखो कपड़े दे दो, नहीं तो रो दोगे। मर्द रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। कपड़े चाहिए ना, ये लो।
मैं हूँ नादिर खान। ओ आइए खान साहब, फरमाइए क्या हुक्म है? दुख होता है कि आपके शहर के बैंक को अभी अभी डाकुओं ने लूट दिया है, मगर घबराने की कोई बात नहीं। नादिर खान, आपका अपना नादिर खान अभी जिंदा है और मैं वादा करता हूं कि डाकुओं को गिरफ्तार करके आपके सामने जरूर पेश करूंगा। दुआ कीजिए मेरे लिए, दुआ कीजिए मेरे भाइयों कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। बैंक का थैला कहाँ है? खाली। इसे बांध कर घोड़े पर बिठा दो और ये पैसों का थैला लेकर दादू और जग्गू के पास फौरन पहुंच जाओ। इसका बंदोबस्त मैं अभी किए देता हूं। उठाओ घोड़े पर। मैं आपका मुजरिम ले आया हूं। इसका जुर्म है डकैती। इसका सबूत मेरे हाथ में है। पैसे इसके साथी ले गए हैं और मैंने अपनी जान पर खेल कर इसे काबू किया है। अब आप जो चाहे इसे सजा दें। मैं कहता हूं इसे सबके सामने फांसी पर लटका दिया जाए। फांसी पर लटका दिया।
चलो। यहाँ हम दुश्मनों से बच के रहेंगे। तुम आराम करो, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। निकला वरना शूट कर दूंगा। मैं हूं रामिया। इस गोली नहीं चला, मैं जान पर नहीं, इनका बच्चे है। तुम? हाँ मैं, पहचाना नहीं। तुमने ये क्या मजाक बना रखा है? क्या मजाक बना रखे? बेवकूफ, ये कंपनी बाग नहीं, बहुत खतरनाक इलाका है, यहाँ कदम कदम पे खतरा है। तुम मेरे पीछे क्यों आई? जब वापिस चलो, अंकल तुम्हें रोका नहीं, जब वापिस चले जाओ। महिला, मैं वापिस चली जाऊंगी लेकिन तुम्हें लेकर जाऊंगी, चलो मेरे साथ। राखीला, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जब बीबी साहब खुदा गवाह पे इधर से चलो। अनवर साहब ठीक कहते हैं, इधर कदम कदम पे आदम खोर है। अगर मेरे को कोई आदम खोर कह गया तो तुम बड़ा साहब को क्या मुंह दिखाएगा? तो ठीक कह रहे हैं साहब, हम ठीक कहते हैं। हम सब इधर इकट्ठा हो गए तो बड़ा साहब को भी इधर इकट्ठा करो। इधर सब बंदे का जमीन लेते हैं, उसमें छोटा सा मकान बनाएगा, सारा जिंदगी इधर गुजार देगा। अब ये ठीक कहते हैं। शिकार, शिकार। ए, ये मेरा शिकार है, मुझे दो। तुम इसे मिस कर दोगी। नहीं, तुमने तो मेरा निशाना देखा हुआ है। लाओ। बीबी साहब, आपका निशाना हट चुका तो हम कभी का मर चुका होता। गोली नहीं चलाना, इरन भाग जाएगा। और तुम पको मत, लाओ मुझे दो। दिया ना हिरन, नहीं जाकर देखो, गिर गया होगा हिरन। अगर नहीं गिरा होगा तो घर जाकर खुद ही गिर जाए। पको मत। हालात बदल गए लेकिन तुम्हारी आदत है ना, इसलिए कि दिल नहीं बदला। आप बुरा मत मानिएगा, मेरा इसका दिल का रिश्ता है। तुम ठीक कहती हो बेटे, दुनिया में दो ही रिश्ते होते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता, एक दुश्मनी का रिश्ता, और दोनों रिश्ते जिंदगी भर पीछा करते हैं। सुनो सुनो, बड़े साहब क्या कह रहे हैं, मैं भी तुम्हारा पीछा करूँ जिंदगी की आखिरी सांस, चाहे तुम मुझे अपना दुश्मन समझो या दोस्त। Thank you.
हाँ, बेटे की तीमारदारी और बेटे की जानिसारी। पता है, अनवर ने अपनी जान पर खेल कर मुझे बचाया था। नहीं, साफ बराबर किया था। बहुत खुददार हो, फर्ज का एहसान भी उतार देना चाहते हो। फर्ज? मैं तुम्हें बाप की नजर से देखता हूँ, और औलाद की जान बचाना बाप का फर्ज है। अगर मेरा बेटा इस वक्त जिंदा होता तो तुम्हारी तरह का होता। मेरा बाप जुल्म का निशाना बना था, आपका बेटा भूख की गोद में दम तोड़ दिया। आपकी बीवी है? थी। आपकी बीवी बच्चे दोनों मर गए। कैसे? वो भूख बर्दाश्त न कर सके और मर गए। मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सका, मैंने हथियार उठा लिया। लेकिन जाबिर और नादिर से आपका क्या ताल्लुक है? वो मेरे हम सफर। आप उनके हम सफर? हाँ, दुनिया में दो ही रास्ते होते हैं, एक बदी का रास्ता और एक नेकी का रास्ता। नेकी के रास्ते पर जहाँ लोग साथ चलते हैं वो एक दूसरे के हम सफर कहलाते हैं, इसी तरह बदी के रास्ते पर जो लोग साथ चलते हैं वो भी हम सफर कहलाते हैं। लेकिन आप तो बहुत अच्छे हैं। कभी कभी इंसान मजबूरियों की भीड़ में फंसकर ऐसे रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाता है जो उसके जमीर का रास्ता नहीं होता। क्या नादिर अली शान के घरों से ताल्लुक है? बगैर सोचे समझे अपने आप को मौत के मुंह में धकेल देना बहादुरी नहीं बेवकूफी है। तुम नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम यहीं ठहरो, मैं उन्हें लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मैं शेर हूँ, अपना शिकार खुद करना जानता। इंतकाम के रास्ते पर जवानी के जोश से नहीं होश से कदम रखो बेटे। बुढ़ापे के एहतियात से मेरे इंतकाम का रास्ता ना रोको। एहतियात? पुरसुकून समंदर के सीने में कितने तूफान होते हैं, तुम नौजवानों को क्या मालूम। और तुम क्या जानो मेरे सीने में इंतकाम के कैसे कैसे तूफान हैं। कुछ भी हो तुम नहीं जा सकते। मेरा रास्ता तुम भी नहीं रोक सकते। अनवर, रास्ता रोकने के लिए कदम बढ़ाया तो कल ही चल जाएगी। मैं जा रहा हूं। राहिला को तुमने बेटी कहा है उसका ख्याल रखना। तीनों घोड़े इसके साथ ले जा रहा हूं कि तुम मेरा पीछा ना कर सको। घोड़े 10 मील बाद और पिस्तौल गार के भार में लेके खुदा हाफिज। ये समझ लीजिए कि ये बचकर निकल जाएंगे। ये हमारा इलाका है। सरदार,
सरदार जग्गू। तुम्हारी घबराहट किसी खतरे या बुरे वक्त की अलामत इसलिए नहीं बन सकती कि पुलिस और कानून की सोच भी यहां तक नहीं पहुंच सकती। जरूर कोई अच्छी खबर लाई होगी। हाँ सरदार, जावेद के पिंजरे से और जाने वाली चिड़िया मेरे जाल में आ गई। क्या अतियान मिल गया तुझे? हाँ, मुझे इनाम दो, इसलिए कि बाहर के मुल्कों में अत्ते जैसे बुलबुल के बड़े अच्छे दाम मिलेंगे। अतिया के खरीदार तो यहाँ भी मौजूद है खाना। अतिया कह दो क्या उसका खरीदार आया है। तू खरीदार नहीं, लुटेरा है, डाकू है, लुटेरा खरीदना क्या चाहिए। खरीद नहीं सकता, लूट तो सकता हूँ ना। मेरी मजबूरी को, मेरी बेबसी को, इसलिए कि मैं तेरी कैद में। उससे मैं तुम और खूबसूरत लगती हो। खानम, इसे कोई खूबसूरत लिबास पहना कर कार में ले आओ। हम इसकी जवानी को अपने सामने रख कर कहा देखना चाहते हैं। चिक चिक चनक चनक नाचूंगी मैं, नाचूंगी जब तक
चना के चिकी चिक चना के चिक नाचूंगी बाद अपना खून देखा बहुत गाढ़ा है साला छोड़ दो मुझे बेची नहीं दो छोड़ दो इस बहादुर कलहरी को छोड़ दो तुझे जाबर के पिंजरे में देखा अच्छी लगी तुझे अपने सामने रक्स करते हुए देखा तो और अच्छी लगी तूने जग्गू का खून बहा तो बहुत ही अच्छी लगी तुझे पर तुझे जग्गू पे हाथ उठाने की जरूरत कैसे होगी रात से फटक कर हाथ के मुंह पे आ गया अगर मौत जहां रहती है तो यही मेरी मंजिल है शायद तू अपने घर से खुद खुशी करते निकला है नहीं मौत को शिकस्त देने जानता नहीं जग्गू का दूसरा नाम मौत है सिर्फ बेबस आंखों के लिए नहीं तेरे लिए अगर गोलियां मौत के कदम रोक सकती है तो तू चला गोली कदम मैं बढ़ाता रुक जा जग्गू हाथों पर हाथ उठाना और निहत्ते पर गोली चलाना बर्तनों को देख देता है हाथों को नहीं बहादुर है तो हथियार फेंक कर दौरे पास वाले तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं कोई आगे ना आए मुकाबला इसका और मेरा होगा सोच रहा है करूंगा और तेरी लाश भी गिरेगी लेकिन मौत से पहले तुझे वो तूफानी रात याद दिलाऊंगा जो आज से 20 साल पहले तूने मलिक जा बारगर उसकी बीवी का कत्ल किया था बेटी के साथ ज्यादती की थी और घर को जला के राख कर दिया था और उस राख में इंतकाम की जो चिंगारी छुपी रह गई थी आज वो इंतकाम की आग बनकर तेरे सामने खड़ी है और आज ये आग भी बुझ जाएगी Ya! 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 Ya
दादू के भाई को कत्ल किया है, इसे दादू के हवाले किया जाए। दादू आया, गेट खोलो। कौन है इसका कातिल? कौन है इसका कातिल? जिसने आजम को मौत के मुंह से बचाया था और इसी ने जाबिर का कत्ल भी किया है, इसलिए इसका जिंदा रहना उस वक्त तक जरूरी है जब तक ये हमें आजम का पता नहीं बता देता। आजम हमारा बड़ा दुश्मन ही नहीं, मेरे जुर्म का चश्मदीद गवाह भी है, और गवाह की जबान बंद कर देना हमारी पुरानी। ठीक है, ठीक है, बंद दो इसे मौत के चक्कर पे। मुझे मालूम नहीं, पूरा चक्कर दाज ये इस तरह नहीं बताएगा। इस पर तरकीब नंबर 7 आजमाओ। ठीक है नादिर, खोल बैठे। तो या तो इसकी जबान खुलेगी या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब ये बता दो आजम कहाँ है। आजम 10 मील दूर काले पहाड़ के नीचे मैं इंतजार कर रहा है। अगर तुम्हारे बताए हुए पते पर आजम नहीं मिला तो हम वापस आकर 1 घंटा तुम्हारे मरने का इंतजार करेंगे। और देखो इसकी कड़ी निगरानी करो। आओ। क्या है तुम्हारे पास? उधर से हम सलाजीत लाए हैं, काला पहाड़ से चीटा बंदर लाते हैं, हम तुम्हारे वहां से चीटा बंदर से खींच के लाए। गाएगा तो उल्लू का पटक मजबूत हो जाए, कमर का दर्द मजबूत हो जाए, और बाजू मजबूत होगा लोहे का बिगेगा। और तुम्हारे पास अभी बताएंगे क्या बताएंगे? बताएंगे नहीं, सिखाएंगे।
दिखाएगी नहीं चखाएगी। क्या चखाएगी? मजा, मेरा मतलब है बादाम का मजा। पिस्ता का मजा, जलजीत का मजा। चखाए तो फिर चखाओ, लो फिर चखो खजूर का मजा। यहाँ तो कोई नहीं है। इसका मतलब है उसने बेवकूफ बनाया है, अब उसका अंजाम इबरतनाक होगा। आओ मेरे साथ। तुम भी? हाँ, पांचवा आदमी मैं ही हूं, लेकिन मैंने पांचों आदमी से इंतकाम लेने की कसम खाई है। तुम अपनी कसम जरूर पूरी करना, लेकिन दुश्मनों से निभने के बाद। फरार का बहाना बना रहे हो? नहीं, अपना अहद पूरा करना चाहता। तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला उस वक्त होगा जब दुश्मन से निपट लेंगे। तुम मैदान छोड़कर भागोगे तो नहीं? अनवर, जिंदगी और मौत का खेल आजम के लिए बहुत पुराना हो चुका है। आजम ने जिंदगी बहादुरों की तरह गुजारी है और मरने के बाद भी बहादुरों में से उठना चाहता हूं। दुश्मन खत्म हो जाए तुम मुझे अपने सामने पाओ।
आजम मैदान छोड़कर भागा नहीं अनवर, तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन पिस्तौल तुम्हारा खाली हो चुका है, इसमें अब कोई गोली नहीं। पिस्तौल में 3 गोलियां हैं। और अब 2, एक तुम्हारी, एक मेरी। 10 कदम चलने के बाद फायर होगा। पिस्तौल अब भी खाली, ये गोली भी तुम लो और अपने इंतकाम की आग बुझा लो। मैं 5वां जरूर हूं, लेकिन तुम्हारे खानदान का कातिल नहीं। मेरे साथियों ने तुम्हारे खानदान के कत्ल का जो मंसूबा बनाया, मुझे पीछे छोड़ गए। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारा खानदान कत्ल हो चुका था। अगर मैं पहले वहां पहुंच जाता तो तुम्हारा खानदान कभी कत्ल ना होता, कभी कत्ल ना होता। आपका इंतकाम और फर्ज पूरा हो गया है साहब, आइए अब घर चलें। हाँ हाँ हाँ, किधर चले हैं मामिया? मोहब्बत के वादे तो तुमने मुझसे भी किए थे। हाँ हाँ, किए तो थे, लेकिन उस्ताद इस मसले पर आपका तजुर्बा क्या कहता है? अरे बेटा, इसका इलाज तो बाबा आदम के पास भी नहीं था, ये तुम कहाँ फंस गए? शुक्रिया, मारा गया ये। एक जबरदस्त तरकीब समझ में आई है, मैं आपसे शादी कर लेता हूँ। आपसे भी कर लेता हूँ, यानी कि आप दोनों से शादी कर लेता हूँ। क्या? दोनों से शादी कर लेता हूँ। नहीं 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 वालों की जिंदगी हराम। चल आदम,